देखिए बिल्कुल नई मंत्र खबर पेश कर रही हूँ और ये झोली कमेटी वालों को नहीं दरगाह में पेश होगी। ये जिस जो भी नजराना आप देंगे, चाहे एक रुपया क्यों ना हो, लेकिन आप सवाब से महरूम ना रहें। और मैं बहुत कम ये सब फरमाइशें पूरी करती हूँ, लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं ये झोली पेश करूँ। समाज फरमाए, सरकार की शान में एक मन खबर पेश कर रही हूँ। हारून भाई आपके इंशाल्लाह बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि मौका ही नहीं दिया इन्होंने, वो भी पढ़ूंगी अल्लाह ने चाहा तो। ये सुन ले, ख्वाजा अजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमुद्दीन वाले का दरबार क्या है, भाई तबला खोल दो, भाई जरा सा तबला खोल दो, माइक देखो ना, ये क्या बजन आवाज नहीं आ रही इसकी। मुलायदा करें अमित भाई, जरा ये हाँ भैया जरा सा और बात। हाँ छोटी छोटी, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बापू जब सवाब का जिक्र आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इससे महरूम ना रहूं। अगर ये मेरा अपना टन होता और मुझे कहते तो मैं नहीं पढ़ती, ये अजीम साहब भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि ये झोली पेश हो रही है इसलिए मैंने मंजूर भी कर लिया। और मैं दिल से चाहती हूँ कि सरकार कबूल फरमाए हम सबकी हाजिरियों को। बच्चा बच्चा कहेगा जो मैं कहने जा रही हूँ।
बना पे चमन की बहार और है सबके तेरी अदा पे चमन की बहार है दुनिया की हर खुशी तेरे रुख पर निसार है के आईने सब चूर हो गए इस नूर में जो ढल गए वो पुरनूर हो गए इस नूर में जो ढल गए वो पुरनूर हो गए इस नूर में जो ढल गए पुरनूर हो गए सच्चाइयों किए अलामत है उनका नाम ख्वाजा अजमुद्दीन का नाम लेते ही ये सारे गम दूर हो गए मुलायजा करें सब यही कहेंगे बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जवान जवान
غریب نماز کا صدقہ ہے، کرم ہے، وہ لکھوا دیتے ہیں، میں لکھ دیتی ہوں، سماعت فرمائیں۔